हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका क्लास 11th केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो आपका लेसन चल रहा है, इसी में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मोल कॉन्सेप्ट को। वहाँ पर मैंने आपको बताया था मोल होते क्या हैं, उन्हें कैसे ट्रीट किया जाता है न्यूमेरिकल्स में, वो मैंने आपको कुछ वहाँ पर न्यूमेरिकल के थ्रू बताया था। आज भी इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को हम ले रहे हैं, ठीक है ना, नंबर ये मोल से रिलेटेड, क्योंकि इसमें बेसिकली न्यूमेरिकल्स बेस्ड ही ये आपका होता है मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहीं से आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, जो मैंने लास्ट टाइम बातें कही थी वो सारी आपको समझ में आनी चाहिए। ये मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट टू है, ठीक है ना। पार्ट वन में हमने डिस्कशन किया था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, जिस भी आप क्वांटिटी की सब्सटेंस की बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना। बाकी बातें स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है, आप चाहें तो नोट कर लें। क्वेश्चन लिखा है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। क्या बोला गया, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसा है ना, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, CaCO3 होता है। इस CaCO3 में कितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होंगे अगर ये जो CaCO3 लिया गया है इसका अमाउंट अगर कितना लिया गया हो, 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, समझ में आ रही हो। तो आपको क्या करना है, आप ये देखिए कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है वो आपको आना चाहिए और हमें आता है, क्लास 10th 9th से ही हम जानते हैं इस बारे में। तो कैल्शियम कार्बोनेट में अगर मैं बोलूं कि कितने ऑक्सीजन है मेरे इस कैल्शियम कार्बोनेट की, ये जो मैंने लिखा ना इसका कुछ नहीं है तो वन लिख सकता हूं ना, तो हम इसे कहते हैं ना वन मोल में कितने ऑक्सीजन है, 3 मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट है। वन मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन्स 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अभी ध्यान रखिए, मैं आगे ना इसके बाद थोड़ी सी कुछ बातें इस लेक्चर के बाद करने वाला हूँ, उसमें मैं केमिकल रिएक्शन के कुछ फॉर्म बताऊंगा, मीनिंग क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या मीन देती है, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे इसके लास्ट जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें, इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा। लेकिन थोड़ी सी बात अभी समझ लें, फिर बाकी और क्लियर हो जाएगा उस समय। लेकिन अभी आप समझ सकते हैं कि मैं बोलूंगा 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे कभी किसी ने लिखा ना, जैसे किसी ने लिखा H2+O2 गिव्स टू 2H2O, ऐसा करके किसी ने अगर लिखा हुआ है तो समझना इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो आगे के स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट्स होते हैं ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को, उस क्वांटिटी के नंबर ऑफ मोल्स को, सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स को, ठीक है। बाकी और अच्छा डिस्कशन इसमें हम हेल्दी डिस्कशन होगा हमारा इसमें, वो होगा नेक्स्ट इसके लेक्चर में, ठीक है। फिलहाल क्या समझ में आया स्टूडेंट, हमें समझ में आया 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन्स हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम, यस 3 मोल ऑक्सीजन एटम्स, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है ना, ये क्लियर है स्टूडेंट्स इतना। तो हमने क्या देखा यहां पर, हमारे पास वेट अ सेकेंड, हमने क्या देखा स्टूडेंट, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन्स 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए तभी आप ये बात बोल पाएंगे। तो हमने देख लिया कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट कितना कंटेन करता है, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो 1 मोल जब इतना कंटेन करता है तो हमें पता करना पड़ेगा कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। वो कैसे पता चलेगा कि आपके पास कितने कैल्शियम कार्बोनेट के मोल प्रेजेंट है, क्योंकि हमें स्टूडेंट गिवन मास पता है, हमें पता है कि 300 ग्राम हमें मास गिवन है। तो 300 ग्राम मास अगर हमें गिवन है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं ना, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं आपके पास, तो वो आपकी गिवन क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालो। कैल्शियम का 40 होता है ना, प्लस कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 ऑक्सीजन है तो ये कितना हो जाएगा 48 प्लस 12 हो जाएगा, अगर आपका 60 हो जाएगा, 60 प्लस 40 100 हो जाएगा, 100U, ठीक है ना, 100U उस तरह से आपका। तो इसका जो हमारा मोलर मास है वो अगर मैं मोलर मास बोलूँ तो उसे ग्राम की टर्म्स में बोलते हैं, तो आपका 100 ग्राम हो जाएगा। तो ये भी ग्राम में गिवन है, ये भी ग्राम में गिवन है, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएंगे, 100 × 3 कितना, 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स 3 निकल कर आए, 3 मोल्स। क्या समझ में आया कि हमारे पास जो सैंपल हमें मिला है 300 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का, उसमें 3 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, 3 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, बस क्लियर हो गया। तो हमें पता है कि अगर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट होता तो 3 मोल ऑक्सीजन एटम मिलते हैं। तो अगर 3 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होता, क्योंकि 300 ग्राम के करस्पॉन्डिंग कितना कैल्शियम कार्बोनेट मिला, 3 मोल, तो अगर 3 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होता देन इट कंटेन्स 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन्स 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, 3 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन्स 3 टाइम्स
थ्री मोल ऑफ कैल्शियम, मतलब कितना हो गया 9 मोल। बहुत क्लियर है ना, 9 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, 9 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। आपसे पूछा गया था कि हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो हमने निकाला कि 9 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन दी सैंपल ऑफ 300 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप चाहें तो इसे एक पर्टिकुलर नंबर में दे सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 1 मोल में कितने नंबर्स होते हैं, 1 मोल में एन ए नंबर्स होते हैं, एन ए मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर। तो 9 into 1 मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो ना, तो एवोगैड्रो चाहे तो आप उसकी वैल्यू लिख दीजिए ऐसे करके 6.67 × 10^23। अब लिख लीजिए ऑक्सीजन एटम, दिस इज योर आंसर, ये आप इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं ये आपका हो जाएगा, इतना करीब ही आपका होगा, ठीक है। मैंने एक रफली एक मैंने इसे कैलकुलेट करा, ये इतना आपका आंसर होगा, आप इसे देख लेना, ठीक है। अदरवाइज आप सिंपली क्या कह लेना, 9 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम निकले, आप इसे सिंपली कह सकते हैं ऐसे 9 times Na ऑक्सीजन एटम, Na क्योंकि Na ही रिप्रेजेंट करता है इस क्वांटिटी को, ठीक है। आप बाकी कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है ना, मेरा पर्पस वो नहीं है अभी, समझ में आ रही बात, इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे डील करना है क्वेश्चन को, तो डिफरेंट पैटर्न होते हैं और डेफिनेट पैटर्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं लेकिन डेफिनेट होते हैं, इसलिए ध्यान रखना कुछ ही पैटर्न होते हैं, उन्हें अगर आप कर लेंगे तो आप पूरी तरीके से मोल कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, ठीक है। बीच में से उठाकर नहीं होगा, हर क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा एक एक करके, जैसे मैंने एक पैटर्न आपको बता दिया, इस पर बहुत इसी टाइप के बहुत सारे पैटर्न इस पर हो सकते हैं, बन सकते हैं, आप उन्हें समझ लेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, अभी हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपके पास लिखा हुआ है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन आर प्रेजेंट इन 252 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। 252 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आपके पास गिवन है। अब ऑक्सैलिक एसिड का हो सके तो आपको फॉर्मूला पता हो, लेकिन ये फॉर्मूला आपको गिवन होगा, ठीक है। वैसे तो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है आपका इस तरह का फॉर्मूला होता है ऑक्सैलिक एसिड का, COOH, इस तरह से होता है, ठीक है। तो C2O4H2 या C2H2O4 बोलते हैं, और .2H2 बेसिकली फॉर्मूला होता है ऑक्सैलिक एसिड का, लेकिन ये आपको गिवन होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है कि आपको पता हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता, नेसेसिटी नहीं है इसमें, ठीक है, ये आपको गिवन होगा। तो आपको पता है कि जो ऑक्सैलिक एसिड का आपको फॉर्मूला स्टूडेंट्स गिवन है वो कितना है, यहां पर आपको दिया गया है, देखिए H2C2O4 .2H2, ये आपको दिया गया ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला, और बोला गया है कि ऑक्सैलिक एसिड अगर 252 मिलीग्राम प्रेजेंट है, तो हमसे पूछा गया है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हाइड्रेशन आर प्रेजेंट इन 252 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, मतलब ऑक्सैलिक एसिड की अगर 252 मिलीग्राम अगर आप लेते हैं तो उसमें वाटर हाइड्रेशन कितने होंगे, ठीक है ना। आपसे हिसाब से पूछा गया हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन, मतलब क्या, ये इन पर फोकस किया गया है आपसे। H2 मॉलिक्यूल है ना, वाटर ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं ना, जैसे Na2CO3.NH2 कभी आपने पढ़ा होगा, वॉशिंग सोडा, उसमें 10H2O डेकाहाइड्रेट होता था, तो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेशन उसमें होते थे H2O के, ठीक है ना। वैसे हमसे पूछा गया है कि हमसे पूछा गया अगर 252 मिलीग्राम अगर आप सैंपल लेते हैं ऑक्सैलिक एसिड का, ये ऑक्सैलिक एसिड है, ये वही ऑक्सैलिक एसिड है जो आपका किस में पाया जाता है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है ना, वही एसिड है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसे अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, देखते हैं। तो वैसे ही करें जैसे इससे पिछली बार किया था, हम देखेंगे कि ये कितना मोल है, हमें साफ साफ दिख रहा है कुछ नहीं लिखा, तो 1 मोल हम बोलेंगे, 1 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, 1 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड पजेसेस 2 मोल ऑफ H2O, ठीक है ना, 2 मोल ऑफ H2O हमने साफ साफ देखा यहां पर, 1 मोल में लिख लेता हूं यहां पर, 1 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कंटेन्स, 1 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कंटेन्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 2 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 2 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 2 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ठीक है ना, क्लियरली समझ में आना चाहिए, ठीक है। बात आपको लिखा गया दिख रहा है साफ साफ कि 1 मोल अगर हम ऑक्सैलिक एसिड लेंगे तो हमें उसके साथ यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा, एक कितने का, 2 मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2O मिलेंगे, 2 मोल H2O के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, 2 मोल, क्लियरली समझ में आ रहा है ना, मोल होता क्या हमने पढ़ा लास्ट टाइम। तो हमें बताना है कि कितने मोल प्रेजेंट हैं H2O4 के, मतलब ऑक्सैलिक एसिड के, तो हमें पता है कि 252 मिलीग्राम ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट है जो हमें सैंपल गिवन है, तो कोरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लेते हैं, सेम पिछली बार की तरह क्वेश्चन है, तो हम देखेंगे 252 ग्राम, ये इसका क्या है, ये इसका गिवन मास है। अब इसका ना मोलर मास निकाल लो पूरे का, तो देखते हैं मोलर मास क्या होगा, H2C2O4.2H2, ये है ना, इसका मोलर मास निकालना, आराम से निकाले, H2 का मतलब 2,
कार्बन 12, तो सी टू का मतलब 24, ओ का मतलब 16 होता है, एक सिंगल ओ का, तो 16 फोर जा 64। अभी ये जो लिखा हुआ है ना, आप जानते हैं वैसे H2O का 18 होता है, H का, क्योंकि 1 होता है 1 इंटू 2 2 होता है, 2 प्लस 16 कितना होगा 18, तो 18 टू जा कितना हो जाएगा 36, और इसको बीच में इसके साथ प्लस कर देना, ठीक है। ऐसी मिस्टेक मत करना, कहीं मल्टीप्लाई मत कर देना ऐसे देख के, बेसिकली औरों के बीच में भी तो एक तरह से कुछ नहीं था, मल्टीप्लाई होता तो एडिशन करते हैं, ठीक है सभी का, तो ध्यान रखना ऐसी सिचुएशन में भी ऐड करते हैं। क्लियर हो गया इतना, ये ध्यान रखने लायक बात है, ठीक है। आप देखेंगे इन्हें ऐड करो, 26 हो गया, 26 और इसे आप ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, और ये आपका 6 to 8 90 हो जाएगा, 126 यूनिट आएगा यूनिफाइड मास, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि नीचे हमें क्या लिखना पड़ता है, हमें उसका ग्राम में लिखना पड़ता है, मोलर मास को ग्राम में लिखते हैं ना, तो 126 ग्राम हो जाएगा, लेकिन ये तो मिलीग्राम में गिवन है, देखिए मिलीग्राम को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमने देखा है 10^-3 अगर हम कर देंगे तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, समझा होगा आपने, फिजिक्स में भी आता है ऐसा, जहाँ पर फंडामेंटल यूनिट्स हम पढ़ते हैं, इतना हो गया। अब आप देखेंगे 126 टू जा 252 होगा, और 2 × 10^-3 आपका आ गया, ग्राम कैंसिल हो चुके हैं, ये ध्यान रखिए, तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो ये इतने मोल्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, किसके मोल प्रेजेंट हैं इतने, इतने हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है इन 252 मिलीग्राम ऑफ H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड जो हमारा है, इसके अगर हम नंबर ऑफ मोल्स देखें ग्राम की टर्म्स में तो ये गिवन है, लेकिन अगर इसे नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में देखें कि कितने ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है हमारे पास, तो पता चला कि 2 × 10^-3 मोल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है हमारे पास। क्लियर है, समझ में आ रही होगी बात, तो नंबर ऑफ इतने निकल गए। तो जो हमने देखा कि वन मोल में अगर इतना, वन मोल अगर ऑक्सैलिक एसिड अगर टू मोल मॉलिक्यूल H2 कंटेन करता है, वन मोल ऑक्सैलिक एसिड अगर टू मोल कंटेन करता है, तो इतना ऑक्सैलिक एसिड कितना करेगा, जब वन मोल ऑक्सैलिक एसिड टू मोल मॉलिक्यूल रख रहा है H2O के, मतलब अपने से टू टाइम्स रख रहा है, तो अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स इतने हो गए तो इससे टू टाइम्स मतलब H2O मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, 2 × ये चीज ना, कि टू टाइम्स हो जाएंगे, आप समझे उसे बात को, कोई बड़ी बात नहीं हो रही यहाँ पर, वन मैंगो अगर 5 का है तो 2 मैंगो कितने होंगे, बस वैसे ही वाला हिसाब की तरफ, ठीक। तो जितना भी आपके ऑक्सैलिक एसिड होता है उसका 2 टाइम्स आपका वाटर मॉलिक्यूल आते हैं, अभी ऑक्सैलिक एसिड के इतने नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो उसका 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, इतना मोल, ठीक है ना, ध्यान रखें इतना मोल, मोल का मतलब आप पीछे से Na लगा लें, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, क्लियरली समझ में आ रहा है। अब Na की वैल्यू आप चाहें तो रख लें, वहीं 6.67 वाली एवोगैड्रो नंबर होता है, और इसे सॉल्व कर लें, तो बेसिकली 4 × 10^-3 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेशन यहाँ पर वाटर हाइड्रेशन हमें मिले हैं इन 252 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, क्लियरली समझ में आया, ये एक बात थी, ठीक है, इस तरह से। तो काफ़ी इनमें स्लाइट डिफरेंस था बस, इनमें इससे पहले इस क्वेश्चन में कोई बड़ा भारी डिफरेंस तो नहीं था, एक ही जैसे क्वेश्चन थे, ठीक है, समझना है स्टूडेंट ने, ठीक है ना, ध्यान से समझते हुए चले, कोई बड़ी बात नहीं हो रही, बस क्लियरिटी चाहिए हमें मोल के बारे में, हमें पता होना चाहिए कि मोल हम किसे कहना चाह रहे हैं, तब बात बनेगी, ठीक है ना। देखिए अभी क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मैं आपको ये बताता हूँ, देखिए अच्छा, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, एक अच्छा क्वेश्चन हमारे पास आया, ठीक है, जरा थोड़ा सा देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट्स, वेट फॉर सेकेंड, क्वेश्चन है हमारा, सॉरी, ये क्वेश्चन लिखा है, कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम विच कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स एज आर प्रेजेंट इन, आप नोट कर सकते हैं, कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ एटम्स एज आर प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम, फिर दे रखा है आपको, गिवन है एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम आर 23 और 40 रिस्पेक्टिवली, तो मैंने आपको जो क्वेश्चन बोला आप उसे नोट कर लें, और मैं यहाँ से इसी क्वेश्चन को देखता हूँ, बोला गया कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ एटम्स एज आर प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम, जितने 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम में एटम प्रेजेंट होते हैं ना उतने ही एटम कंटेन करता है सोडियम, मतलब हमें बोला गया कि 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम जो होगा, अभी देखते हैं कि 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम कितने नंबर ऑफ कैल्शियम एटम कंटेन करता है, है ना, आप क्वेश्चन बिल्कुल देखें पहले अपनी आंखों के सामने तभी आप कर पाएंगे, तो पहले हम निकाल लेते हैं कि 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम में कितने नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स होते हैं, तो हमें पता चला कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका होता है गिवन मास कितना है 4 ग्राम कैल्शियम का, इसका कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है 40 ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे 1/10 मोल्स आएंगे, मतलब 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम कंटेन्स 1/10 मोल्स ऑफ अ कैल्शियम एटम, कैल्शियम एटम के 1/10 मोल्स हमारे पर प्रेजेंट होंगे इस गिवन क्वांटिटी के लिए,
अगर आपको उसको नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करना है, तो आप सभी जानते हैं कि मोल्स का मतलब होता है कि एन ए के इक्वल होता है, एन नंबर के इक्वल। तो अगर मुझे नंबर ऑफ निकालना है कैल्शियम एटम, तो आप क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ कैल्शियम एटम कितने जाएंगे, 1/10 इंटू एन ए। क्लियरली समझ में आ रहा है, ये इतने, ठीक है, ये नंबर क्वांटिटी है ना, तो क्वांटिटी में कोई यूनिट तो आती नहीं, इतने एन ए बाई टेन नंबर, मतलब एवोगैड्रो। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि एवोगैड्रो की वैल्यू होती है 6.022×10^23 होती है ना, ऐसे करके नीचे एक 10, चलिए ठीक है ऐसे समझ लीजिए, 10 के बाद 23 होती है, नीचे एक 10 है, एक 10 उस 10 को कैंसिल करेगा, तो यहां सिर्फ 22 बच जाएगा। समझ में आया कि कैल्शियम एटम इतने प्रेजेंट हैं इस गिवन क्वांटिटी में। अब क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। क्वेश्चन लिखा था कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम विच कंटेन्स, मास ऑफ सोडियम बताना था, मास ऑफ सोडियम हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं इसी को, कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ एटम्स एज आर प्रेजेंट इन द 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम। जितने कैल्शियम में प्रेजेंट होते हैं 4 ग्राम में, उतने ही एटम अगर कंटेन करता है सोडियम, और हमने निकाला कि 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम कितना एटम कंटेन करता है, इतना एटम कंटेन करता है, तो सोडियम भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतने ही एटम कंटेन करता होगा। इसका मतलब जो सोडियम के एटम्स हुए, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स जो हुए वो कितने हो गए स्टूडेंट्स, एन ए बाई टेन ही बोल लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, अभी फिलहाल कैलकुलेशन पर्पज से, ठीक है, वही बात है, एन ए बाई टेन बोल दिया मैंने उसे, ठीक है, ठीक है ना। तब हमसे बोला गया है कि आप बताइए एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, अच्छा ठीक है, कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम बोला गया था, मास करना था कैलकुलेट सोडियम का, तो हम वही बोलेंगे ना, हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स, बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। अभी हमें बात करनी है सोडियम के रिगार्डिंग, तो मैं सोडियम का गिवन मास लिखूंगा यहाँ पर, जो कि हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ना मास ऑफ सोडियम, तो हमने मास ऑफ सोडियम को स्मॉल m मान लिया। अब मोलर मास ऑफ सोडियम कितना होता है, 23 होता है ग्राम में। अगर मुझे सोडियम के नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाते, तो मुझे मास पता चल जाएगा ना सोडियम का, कितना सोडियम ग्राम में प्रेजेंट है। बस क्या मुझे सोडियम के नंबर ऑफ मोल्स पता है, यस मुझे पता है, क्योंकि सोडियम के नंबर ऑफ मोल्स उतने ही हैं जितने 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, और 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम के नंबर ऑफ मोल्स हैं कितने, 1/10, मतलब इतने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। पता चल चुका है ना आपको, पता चल चुका है कि कैल्शियम के 4 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो 1/10 मोल्स होते हैं, तो उतने ही एग्जैक्टली कंटेन करता है आपका सोडियम भी, तो हमें बोला गया, तो सोडियम के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, वही ना 1/10, तो इसीलिए हम लिखेंगे 1/10 इज इक्वल टू एम अपॉन 23। तो एम इज इक्वल टू स्टूडेंट्स आपका आ जाएगा 23/10 मतलब कितना होगा, 2.3 ग्राम। मतलब ये हुआ कि सोडियम हमारा 2.3 ग्राम रखता है, क्या सोडियम 2.3 ग्राम हमारे पास अवेलेबल है। क्वेश्चन को एक बार मैं क्विकली बताता हूँ, क्वेश्चन था क्या हुआ, क्वेश्चन ये था ना, आपके पास गिवन था 4 ग्राम ऑफ क्या, आपको क्वेश्चन ये गिवन था कि कैलकुलेट द मास ऑफ अ सोडियम विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम कंटेन्स, ठीक है ना। जितना 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम नंबर ऑफ एटम्स कंटेन करता है, वो इतने कंटेन करता था 1/10 मोल, उतने ही सोडियम भी कंटेन करेगा। अगर तो आपसे पूछा गया था कि सोडियम का गिवन मास कितना है उस समय, जैसे इसका गिवन मास इतना है, तो हमने बस फॉर्मूला लगाया, तो हमने पता किया सोडियम के नंबर ऑफ मोल्स कितने, तो ये तो क्योंकि उतने ही है जितने कैल्शियम के 4 ग्राम में होते थे, और कैल्शियम के 4 ग्राम में हमने कैलकुलेट करे 1/10, इसलिए 10 मोलर मास एग्जैक्टली इतना ही बस होगा, ठीक है ना। तो इतना क्लियर है स्टूडेंट्स, बहुत ऐसा हार्ड एंड टफ क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन कैसा था, अच्छा था। ये इतने क्वेश्चन हो गए, अब मैं आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्या होगा, अब एक अच्छा सा क्वेश्चन है, जरा समझना ऐसे, ठीक है, लिखा हुआ है, जरा कोशिश करना जो मैं बोल रहा हूँ, पहले तो हो सके तो उसे नोट कर लीजिए। फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। मैंने आपको एवोगैड्रोस नंबर बताया था ना, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन उसका यूज है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया आपको, आपको बोला गया फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग एट एसटीपी। फर्स्ट है, देखा है 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, फर्स्ट है 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, सेकेंड गिवन है 6.023×10^22 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया NH3, एंड थर्ड थिंग इज 0.1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन क्या है, आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन सबसे ऊपर लिखा है फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग एट एसटीपी, फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग एट एसटीपी, दिस इज अवर क्वेश्चन।
तो स्टूडेंट हमें भी क्या बताना है, हमें एसटीपी पर वॉल्यूम बताना है इन इन चीज़ों का, अगर ये हमारे पास है तो मैं एक बार लिख लेता हूँ ताकि पूरी पूरी क्लैरिटी रहे। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ फॉलोइंग, द वॉल्यूम ऑफ फॉलोइंग एट एसटीपी, ठीक है ना। एसटीपी का मीनिंग होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब अगर आपने टॉपिक नहीं देखा था ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर आप कंटिन्यूटी में तो आपको सब कुछ बातें समझ में आएंगी मेरी। इसलिए मैं क्या करता हूँ, हल्का सा रिकॉल कर देता हूँ ताकि जिन्होंने पहले देखा है उनको हल्का सा रिमाइंड हो जाए, अदरवाइज औरों को थोड़ा समझ में भी आ जाए, ठीक है। मैंने स्टूडेंट एवोगाड्रो में बताया था ना, मैं सिंपली एवोगाड्रो का मैं बोलता हूँ, एवोगाड्रो लॉ के था अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर द ऐसा था, चलिए ऐसे इसको दूसरे सेंस में कहते हैं। एक तो हुआ शुरुआत वाला कि अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। जब हमने उसे सॉल्व करा था आपको याद होगा, तो हम फाइनली क्या कहते थे लास्ट में, हमने लास्ट में एक बात निकाली थी, रिजल्ट निकाला था, हमने बोला था कि टू गैसेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना, सेम नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो स्टूडेंट बड़े आराम से समझना, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ काम की चीज। हमने क्या पढ़ा था, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, देखिए जिसने तरीके से पढ़ा उन्हें तो सारी बातें समझ में आएंगी, लेकिन मैं फिर भी अगर कंक्लूजन बोलूँ तो ये था कि एट एसटीपी पर जब हम चेक करते थे तो अगर हमारा नंबर ऑफ मोल्स अगर वन मोल अगर हम गैस को लेते थे एसटीपी पर, एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेते थे एंड 1 atm, 1 atmospheric अगर हम प्रेशर लेते थे, अगर ये दो थिंग हम लेते थे कि टेम्परेचर प्रेशर को फिक्स कर देते थे और नंबर ऑफ मोल्स को अगर 1 mole ले लेते थे किसी गैस का, तो जो वॉल्यूम ऑफ द गैस होता था वो निकल के आता था 22.4 liter। फिर मैंने आपको बात बताई थी, मैंने बोला था कि अगर इसी एसटीपी पर अगर आप 1 की जगह आप नंबर ऑफ मोल्स को 2 कर दें तो आपको कुछ नहीं करना, जब 1 mole इतना कंटेन करता है वॉल्यूम तो 2 mole कितना करेगा, आप बोल देना 2 times 22.4 liter। ऐसी 3 mole होता तो आप बोल देना 3 times इतना liter। क्लियरिटी है, ठीक है। तो मैं आपको एक सिंपल बात बोलता हूँ, मैं इतनी सी बात बोल रहा हूँ सिर्फ कि अगर एसटीपी हो जाता है आपका, तो एसटीपी के केस में 1 mole हमेशा कंटेन करती है गैस 22.4 liter। 1 mole गैस का वॉल्यूम कितना होता है हमेशा 22.4 liter, लेकिन प्रोवाइडेड अ कंडीशन कि टेम्परेचर मस्ट बी इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू 1 atm, 1 atmospheric प्रेशर, ठीक है। समझ में आ गया, 1 mole कितना कंटेन करता है 22.4 liter। तो अब अगर आपको एसटीपी पर नंबर ऑफ मोल्स पता हो किसी क्वांटिटी को तो आप तुरंत उसका वॉल्यूम बता सकते हैं। अगर 5 mole प्रेजेंट है तो आप बोलेंगे 5 times इतना वॉल्यूम होगा, 4 moles प्रेजेंट है तो 4 times इतना होगा, 2 moles प्रेजेंट है तो 2 times इतना होगा वॉल्यूम, लेकिन कंडीशन मस्ट है, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा सरप करता हूँ, हम यहाँ पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ध्यान रखना, समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इनको अगर हम करें ना, जो हमें क्वेश्चन गिवन है अगर हम इन्हें 1 by 1 करें, हमें सिर्फ काम क्या है आप समझ गए ना, वी हैव टू जस्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन द गिवन एंटिटी। जो भी आपको क्वांटिटी या एंटिटी जिस फॉर्म में गिवन है, जैसे कि ये वाली ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में गिवन है, इसे नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करो, ये तो ये अच्छी बात है ऑलरेडी मोल्स में गिवन है, ये मोल में गिवन नहीं है, इसे मोल में करो। एसटीपी पर जब भी वॉल्यूम पूछा जाएगा नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो और जितने नंबर ऑफ मोल्स आए उसका 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो, उतना वॉल्यूम आपका होता है। जैसे मैं फर्स्ट वाले पर बात करूं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास प्रेजेंट है नाइट्रोजन के, हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, गिवन मास कितना है 14 ग्राम ना, नाइट्रोजन 14 ग्राम अवेलेबल है। और नाइट्रोजन का अगर मैं बोलूं कि मास मोलर मास कितना होता है, आप बोलेंगे 28 ग्राम होता है कि नहीं होता मोलर मास। आप इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 1/2 ग्राम, ग्राम गेट्स कैंसिल ऑफ, तो इसीलिए हम बोलेंगे मोल्स पीछे पे आ जाएगा, मतलब हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 0.5 मोल, इसे आप 0.5 मोल भी कह सकते हैं, बस नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। अब मैंने बताया था क्योंकि कंडीशन मस्ट है कि एसटीपी पर प्रोवाइडेड है, इसका मतलब ये हुआ कि एसटीपी पर अगर 1 mole होता तो 22.4 liter, और अगर 0.5 mole है तो क्या करना है आपको, 0.5 into 22.4 liter, कितना आपका वॉल्यूम आ गया, आप चाहें तो बोल लें इसे 11.2 लीटर, ये आपका वॉल्यूम है। मैंने बताया ना सिंपली, मैंने तरीका बताया, और अगर और डिटेल में जानना चाहते हैं इसको तो आप जाइए वहाँ पर लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जहाँ पर मैंने कराया होगा, लास्ट का टॉपिक था एवोगाड्रोज लॉ, ठीक है, वहाँ पर मैंने और डिटेल में बताया था, वैसे मैंने बात बता दी अगर आप समझ सकते हैं तो, अगर मैंने कहा अगर प्रॉब्लम हो रही है आपको, कुछ प्रॉब्लम लगती है तो वहाँ जाकर देखें अभी, ये तो बात तो क्लियर है ना हमारे सामने, हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, अगर नहीं है तो उन्हें कन्वर्ट करो, जैसे कि ये गिवन है। अभी बताएं अमोनिया के इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, अब हम सोचते हैं कि मॉलिक्यूल्स को मोल्स में कैसे बनने, कोई बड़ी बात तो नहीं है, क्योंकि अगर मैं बोलता हूं कि 1 mole ऑफ मेरे पास NH3 मॉलिक्यूल्स हैं, 1 mole ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स है,
इसका स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है, इसका एक ही तो मतलब है कि वन मोल ऑफ एन एच थ्री मॉलिक्यूल का मतलब और कुछ नहीं है, मोल एक एक बंच है एक तरह से, जैसे अगर मैं बोलता हूँ वन डजन ऑफ एन एच थ्री मॉलिक्यूल तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं ट्वेल्व मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अगर मैं कहता ना वन डजन ऑफ एन एच थ्री मॉलिक्यूल है तो आप क्या कहते हैं ट्वेल्व एन एच थ्री मॉलिक्यूल्स है। अब मैं कह रहा हूँ वन मोल ऑफ एन एच थ्री मॉलिक्यूल है तो इनकी काउंटिंग ट्वेल्व ना होकर इस बार एन ए हो गई, मतलब वो 6.022 वाली बात। तो आप बोलेंगे वन मोल ऑफ एन एच थ्री मॉलिक्यूल कंटेन हाउ मेनी अमोनिया मॉलिक्यूल्स, एन एच थ्री सॉरी एन ए मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। जैसे अगर क्लियरली सोचे ना, मोल वैसा ही है जैसे एक बंच होता है ना, जैसे हमारा जैसे कि हमने बोला कि बंच ऑफ ग्रेप्स है, ग्रेप्स तो नहीं, बंच ऑफ बनानास है, अगर उसमें 12 है तो हम कहते हैं वन डजन है, तो वैसे ही वन मोल एन एच थ्री मॉलिक्यूल है। और अगर होता वन डजन ऑफ एन एच थ्री मॉलिक्यूल मतलब 12 एन एच थ्री मॉलिक्यूल, अभी है वन मोल ऑफ एन एच थ्री मॉलिक्यूल मतलब इतने नंबर ऑफ एन एच थ्री मॉलिक्यूल, इतने नंबर ऑफ एन एच थ्री मॉलिक्यूल। समझ में आ गई बात। तो इसको बेसिकली आप क्या, चलिए मैं ये काम हो चुका है ना, मैं इसे रब कर लेता हूँ, ठीक है, समझ चुके हैं आप, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आता हूँ दोबारा, देखिए। तो हमें समझ में आ गया कि एन ए मॉलिक्यूल वन मोल एन एस थ्री मॉलिक्यूल कंटेन करते हैं एन ए मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एस थ्री, ठीक है, एक मोल में इतना होता है। बेसिकली अगर मैं उसे बोलूँ कि वन मोल ऑफ अमोनिया जो आपके पास है उसमें जो अगर मैं एन ए को कन्वर्ट करूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि कन्वर्ट कर देना चाहिए, इतना इंटू 10^23 होता है ना, अब अगर नंबर यही होता है, तो मैं समझ गया कि एक मोल एन एस थ्री में, अगर एक मोल एन एस थ्री लेते हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स निकलते हैं एन एस थ्री के, काउंटिंग करेंगे अगर हम एक एन एस थ्री दो एन एस थ्री ऐसे करके इतनी नंबर ऑफ एन एस थ्री निकलेगी, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एस थ्री निकलेगा। अगर इतने मॉलिक्यूल्स में इतने एन एस थ्री, तो मुझे क्योंकि मोल्स में कन्वर्जन करना है ना, मुझे मॉलिक्यूल को मोल में बदलना है, तो अगर इतने मॉलिक्यूल इतना मोल रखता है तो वन मॉलिक्यूल कितना मोल रखेगा, वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया कितना मोल रखेगा, उसको नीचे शिफ्ट कर देंगे ना, वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया रखेगा 6.023 इंटू 10^23 मोल ऑफ एन एस थ्री। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया कितना रखेगा, इतना मोल, अगर वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया इतना मोल रखेगा तो इतना मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया कितना मोल रखेगा, इतना टाइम्स इतना, मतलब इतना मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, मतलब ये हुआ कि आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इतने मॉलिक्यूल को, 6.023 इंटू 10^22 मॉलिक्यूल कितना रखेगा, अगर एक मॉलिक्यूल इतना रखता है तो 6.023 इंटू 10^22 कितना रहेगा, इतना टाइम्स इतना ना, ठीक है, इतना मोल ऑफ एन एस थ्री रखेगा कि नहीं रखेगा। देखिए स्टूडेंट ये ना, क्योंकि प्रॉब्लम आपको रहती है इसीलिए इसको इस लंबे से तरीके से किया जा रहा है, अदरवाइज आप शॉर्ट में जिसको समझ में आ रहा हो शॉर्ट में कर सकता है आराम से, बहुत आराम से, क्योंकि हमें बताना था ना कि 6.023 टू 10^22 मॉलिक्यूल कितना रखता है, तो मैं चाहता 10 से दोनों तरफ डिवाइड कर लेता तब भी आंसर आ जाता, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखेंगे ये कैंसिल हो गया, ये 23 है, ये 22 है, 22 इसके 23 को कैंसिल करेगा, मतलब एक बच जाएगा ना 10 नीचे पर, क्योंकि 10 की पावर 22 ऊपर है, 10 की पावर 23 नीचे है, 23 का मतलब क्या, यही तो हुआ 23 का, ये कैंसिल होगा, 1/10 बच गया, मतलब समझ में आ गया कि 6.023 इंटू 10^22 मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एच थ्री कंटेन्स 1/10 मोल ऑफ एन एच थ्री। वो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, ये मत सोचना इतना लंबा है, वो तो समझाने के प्रोसेस से लर्निंग स्टेज में इसलिए कर रहे हैं, अदरवाइज वो देखते ही निकल गया था, ठीक है। तो 1/10 मोल आते हैं इसमें, समझ में आया कि इतना मॉलिक्यूल्स कितना कंटेन करता है, 1/10 मोल्स कितना कंटेन करता है, 1/10 मोल्स, अगर 1/10 निकल गया नंबर ऑफ मोल्स, इतना निकल गया अगर ये, और आपको कंडीशन गिवन है एसटीपी पर, तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम कितना होने वाला है, वॉल्यूम विल बी n टाइम्स 22.4, आप आराम से बोलेंगे ये हो जाएगा इतना, फिर ये आपका हो जाएगा 2.24 लीटर, आप बोलेंगे 2.24 लीटर प्रेजेंट है अमोनिया के इतने मॉलिक्यूल्स अगर हैं तो। बाकी फाइनली थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि डायरेक्ट आपको मोल गिवन है, देखिए वैरायटी यही तो हो सकती है क्वेश्चन में कि आपको मोल्स डायरेक्ट ना गिवन हो, क्योंकि डायरेक्ट गिवन हो तब तो फिर कॉन्सेप्ट पता लगाने की देर है, जबकि इंपॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि अगर आपको ये भी क्वेश्चन दिया जा सकता है ध्यान रखना, क्योंकि इसमें भी डायरेक्ट नहीं कर सकता कोई, कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पर ही फोकस हो रहा है, बाकी इन दोनों में नया कुछ नहीं है, वो तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। तो अगर कोई चाहता है कि थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाई जाए तो इन दोनों में से कोई एक दे देगा, क्योंकि वो देखना चाहेगा कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी है और आप साथ में कैलकुलेशन करना भी जानते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन दिए जाएंगे, और कोई चेक करना चाहता है आपका कॉन्सेप्ट तो आपको ये क्वेश्चन देगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी गिवन है 0.1 मोल,
तो नंबर ऑफ मोल्स अगर गिवन है, वही एसटीपी पर अगर मैं बात करूं तो मुझे वॉल्यूम कितना मिल जाना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स मतलब 0.1 टाइम्स कितना 22.4 लीटर, बस वॉल्यूम इतना हो गया। कैलकुलेट कर लो 22.4 है और पॉइंट आपका डेसिमल के इतने 2.24 लीटर हो जाएगा। आंसर दोनों सेम है भले, कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है लेकिन भले ही आंसर सेम है। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? ये मैंने आपको कुछ टाइप के क्वेश्चन कराए, ध्यान रखना जितने टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन कराए इन पर एक बार प्रैक्टिस करो दोबारा से, बिल्कुल एक बार मेरी बातों को हिंट की तरह लेते हुए चलो, एग्जैक्टली मत चलो मेरी बातों पर, ठीक है ना, एग्जैक्टली मत चलो, हिंट की तरह लेकर चलो। जो जो मैंने बताया उसको पहले क्वेश्चन को नोट कर लो जो मैंने बोले हैं, साथ ही साथ क्वेश्चन मैंने बताए थे आपको, और कोशिश करो कि खुद हो, क्योंकि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। मैंने बता दिया क्वेश्चन फोर्थ फिफ्थ लेवल के क्वेश्चन है, वही जो हम करते थे डिवाइड मल्टीप्लाई वाले, बस फर्क पड़ रहा है नंबर ऑफ मोल्स आ जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स आ जा रहे हैं, एटम आ जा रहे हैं। वहाँ एप्पल आता था, बनाना आता था, ऑरेंज आता था, बस। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसके साथ। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।